हरे कृष्णा, मैं भगवत दास आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो सेशन में। तो आज का जो वीडियो है वो मेरे फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के जो वीडियो सीरीज है उसका तीसरा वीडियो है, और हम इस पे बात करेंगे कि हमें नशा क्यों नहीं करना चाहिए, नशा से हमारा क्या क्या नुकसान होता है और ये हमारे जीवन का प्रगति को कैसे रोकता है। तो आज का वीडियो भी थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए। तो सबसे पहले अगर नशे की हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नशा का कितना फॉर्म है। नॉर्मली हम अपने आसपास सोसाइटी में देखते हैं तीन चार प्रकार के जो नशा है, बहुत आम बात है, जैसे धूम्रपान हो गया, लोग बीड़ी सिगरेट गांजा ये सब आसपास पीते रहते हैं। दूसरे में आता है लिक्वेर यानी दारू, बहुत दुकानें मार्केट में, एक एक मार्केट में दो तीन करके दुकान मिल जाता है, बहुत नॉर्मली लोग पीते रहते हैं। उसके बाद गुटखा तंबाकू है ना, ये सब तो है ही है, ये तो हर कोई आजकल मतलब छोटा सा छोटा बूढ़ा सा बूढ़ा आदमी भी कर रहा है ना। और जो हमारे बॉलीवुड के जिनको हम अपना आइडल मान बैठे वो लोग भी आजकल उसी का प्रमोशन करके पैसा कमा रहे हैं। बीमारी हम ले रहे, पैसा वो ले रहे, तो इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि वो एडवर्टाइजमेंट करके पैसा वो लेकर जा रहे हैं और बीमारी हमको दे रहे हैं। तो हमने पहली बात तो हमने हमारा चॉइस कैसा है, देखिए हम आइडल भी उनको मान रहे हैं जो हमें बीमारी दे रहे हैं और पैसा खुद ले रहे, है ना। ठीक है, जो भी है बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि नशा लोग करते ही क्यों है। तो इसके पीछे मेनली दो तीन कारण होता है कॉमन टर्म पे जो लोग यूज़ करते हैं, कि हमें दुख बहुत होता है, हमारे जीवन स्ट्रगल बहुत है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, हमें खुशी नहीं मिल पा रहा है, इस चक्कर में लोग नशा करते हैं। तो ये जो नशा करने का जो कारण है, क्या ये वैलिड कारण है, क्या ये रीज़न जो है ये वैलिड है, क्या नशा करने से हमारे दुख ख़त्म हो जाता है, हमारा टेंशन ख़त्म हो जाता है, हमें खुशी मिल जाता है? इसका जो सीधा जवाब है वो है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसको मैं समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक बाइक ख़रीदना है और आप शोरूम में गए बाइक ख़रीदने के लिए, आप पैसा लेके गए नया बाइक आपको ख़रीदना है, लेकिन शोरूम वाला क्या कहता है आपको, बोलता है कि मेरे पास पुराना बाइक है, इसको मैं ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग करके नया जैसे दिखने वाला बना के आपको दे देता हूँ, आप फुल पेमेंट कर दीजिए। तो क्या आप ऐसा पेमेंट उसको कर देंगे, पूरा पेमेंट? अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आप मतलब बेवकूफ़ है, सीधी बात है, और अगर आपने नहीं किया तो आप समझदार हैं, आप नहीं करेंगे। ऑब्वियसली बात, आप कभी कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि नया बाइक का पैसा लेकर के दे करके और पुराना बाइक ले ले, भले ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग हो, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ समय बाद इसका डेंटिंग पेंटिंग सब हट जाएगा, बाइक जैसा पुराना हो वैसा मिलेगा आपको, क्या फ़ायदा हुआ आपका, माल तो नकली है। इसी तरह नशा करके हम कुछ टाइम के लिए हम अपना अस्तित्व खो देते हैं, हम रियलिटी से नज़र हटा लेते हैं, रियलिटी रियलिटी और हमारे बीच में एक नशा का जो बहुत मोटा पर्दा आ जाता है, जिसके वजह से हमको लगता है कि हाँ भाई दुख ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, दुख वही का वही होता है, सिर्फ हमारा नज़रिया कुछ टाइम के लिए बदल जाते हैं, है ना। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, सच्चाई से मुंह मोड़ना, सच्चाई से पीछे हट जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सिचुएशन का सामना करना चाहिए। आपने सिचुएशन को क्या किया, सिचुएशन को अनदेखा किया आपने, या तो आप सिचुएशन को बदल लीजिए, अब नहीं बदल पा रहे तो आप अपना विजन चेंज कर ले रहे, आप अपना दृष्टि खो दे रहे हो, वहाँ पे देखने के लिए जो आपको देखना चाहिए हकीकत क्या है वो आप नहीं देख पा रहे, आप अपना अस्तित्व खो रहे। देखिए ये कहावत आपने सुनी होगी, कौवा अगर आग बंद कर लेता है तो वो दिन को रात में नहीं बदल सकता, अंधेरा नहीं छा जाता। इसी तरह अगर आप नशा करके अगर कुछ टाइम के लिए आप अपने 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 और अपने सिचुएशन के बीच में अगर नशा का पर्दा डाल रहे, इससे ऐसा नहीं है कि आपको सिचुएशन बदल जाएगा, सिचुएशन वैसे का वैसा रहेगा और आपको इसमें नुकसान है, बल्कि आपने इतना पैसा खर्चा करके नशा किया है और उसके बाद आप खुद का भी नुकसान हुआ, अपना शारीरिक मानसिक बहुत तरीके से, आर्थिक बहुत तरीके से आपका नुकसान हुआ, और मिला कि आपको कुछ नहीं, कुछ टाइम के लिए बस आपको पता नहीं चला कहा भाई हकीकत क्या है ना। तो अब मोटा मोटा देखेंगे और क्या क्या नुकसान हो सकता है नशा करने से। कभी कभी तो कुछ नशे के हालत में ऐसा ऐसा कुछ काम कर लेते हैं, बाद में उनको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि ये मैंने क्यों किया, है ना। रात को कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं वो लोग, फिर सुबह पछतावा करता रहे मैंने रात को ऐसे नशे की हालत में कर दिया, वो लोग भी सॉरी फील करते हैं लेकिन अगले दिन फिर से वही रिपीट होते हैं, है ना, क्योंकि हम अपने इंटेलिजेंस को खो देते हैं। नशा से क्या होता है, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, हम अपना इंटेलिजेंस को खो देते हैं, अपने चेतन बुद्धि को खो देते हैं नशा से, है ना, हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। दूसरा होता है हेल्थ,
हमारा हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है नशा से। नशा से हमारा किडनी खराब होता है, हमारा लीवर खराब होता है, हमारा लंग्स खराब होता है, धूम्रपान से हमारा लंग्स खराब हो जाता है, दारू पीने से किडनी खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, सब खराब हो जाता है, फिर भी हम बीमारी को पैसे दे करके खरीद रहे। समझ रहे किस लेवल का डील है ये? हम पैसा इतना सारा मेहनत का कमाई करके परिवार के लिए यूज़ नहीं कर रहे, हम अपने आप के डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं कर रहे, सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट के यूज़ नहीं कर रहे, हम सिर्फ दारू के दुकान में दे रहे और खुद अपने लिए वहाँ से बीमारी खरीद रहे, इधर से पैसे दे रहे उधर से बीमारी ले रहे। क्या यह समझदारी वाली बात है? कभी नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर रिपोर्ट देखें तो जो इंडिया में हर साल 56,000 लोगों की मौत होती है सिर्फ दारू पीने से, इसमें धूम्रपान वाला कोई मेंशन है, सिर्फ दारू पीने से 56,000 लोगों की मौत होती है सालाना सिर्फ इंडिया में। अब दुनिया में कितना होता होगा आप समझिए, और ये ऑन रिकॉर्ड है, इसके बाहर और भी है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है जो रिपोर्ट हुए केस। बाकी गांव घरों में कितना लोग मर जाते हैं, है ना, दारू पीने की वजह से किडनी खराब हो जाता है, किडनी खराब की वजह से लोग मर जाते हैं, लेकिन वो दारू पीने में थोड़ी आता, तो किडनी खराब की वजह से आता है कि हाँ भाई किडनी खराब हुआ तो मर गया, लेकिन उसके एक्चुअल रीजन क्या है? एक्चुअल पीछे रीजन जो है वो नशा है, नशे की वजह से किडनी खराब हुआ ना, तो रूट कॉज जो है वो नशा है। ऐसे आउट ऑफ रिकॉर्ड बहुत लाखों करोड़ों केस है जो होते हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं है, ये तो मोटा मोटा आते हैं, मोटा मोटा आंकड़ा है। इसके बाद देखिए क्राइम जो 90% जो केस क्राइम के केस होता है उस पे पाया गया है, उस क्राइम करने वाला जो आदमी है जो भी है वो नशे की हालत में है, नशे की हालत में पाया गया है 90% केस में। तो आप नशा करके क्या करें, क्राइम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत काम की वजह से आप जेल में जा रहे हैं, है ना, कितना आप अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा जो इंडिया में सोसाइटी में बहुत ही घिनौना काम हो जाता है नशे की हालत में ज़्यादातर, वो है रेप। 90% से ज़्यादा, 95% बल्कि जो रेप केस होता है उसमें रेपिस्ट को नशे की हालत की वजह से मतलब रेप कर देता है रेपिस्ट। तो मतलब कितना मतलब गलत काम हो जाता है नशे की वजह से। अगर वही पे वो आदमी अगर नशे पे नहीं रहेगा तो क्या वो काम करेगा? कभी नहीं करेगा ऐसा घिनौना काम। लेकिन नशे की हालत की वजह से वो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, सामने वाला कौन है, सोसाइटी में मेरा क्या स्टेटस है, सब भूल जाता है यार वो गलत काम कर बैठता है। मेंटल हेल्थ में हमारा बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, नशा करता है, देखेंगे आप पिक्चर में मूवी में देखते हैं कि वो कुछ तो सूंघता है, फिर इंजेक्शन लेता है, ब्राउन शुगर लेता है, कोकीन लेता है, बहुत तरीके का नशा करता है, फिर उस चक्कर में क्या करता है, चोरी करता है, हाँ तो चोरी हो गया क्राइम, चोरी करता है, फिर पैसा रहता है, फिर नशा करता है, फिर ज़्यादा अगला दिन उसको लत बढ़ जाता है ना। ऐसे नहीं कि आप आज इतना किया कल आप इतना कर, आज इतना करेंगे कल इतना, कल परसों इतना इतना कर, बढ़ता जाएगा आपका जो डिमांड है, क्योंकि आपका शरीर जो है जो नशा आपके अंदर जाएगा उससे आपका शरीर जो है उस नशे के साथ अपने आपको तालमेल कर लेगा, और अगला दिन उससे अगर उस लेवल से ज़्यादा आपका अगर आपको नहीं मिला तो आपका शरीर फिर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, है ना। इसी तरह है ना, जैसे मान लीजिए आपको कोई दर्द होता है, अगर वही दर्द आपको डेली हो रहा है धीरे धीरे वो दर्द आपको शरीर सह लगा, वो दर्द आपको महसूस नहीं होगा, अगला दिन अगर ज़्यादा दर्द होगा तो भी आपको दर्द महसूस होगा। इसी तरह अगर सेम नशा आप डेली करेंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए आपको बॉडी रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ भाई अब ज़्यादा चाहिए। इसी तरह ज़्यादा चोरी करेगा, ज़्यादा नशा करेगा, फिर ज़्यादा नशे की वजह फिर ज़्यादा चोरी करेगा, ऐसे वो जो साइकिल वो बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 लास्ट में डिप्रेशन में चला जाएगा, पैसे उसको मिलेगा नहीं, फिर डिप्रेशन से सुसाइड, कितना सारा सुसाइड केस होता है नशे की वजह से, खिड़की से कूद गया, कभी बिल्डिंग से कूद गया, गाड़ी के नीचे आ गया, बहुत सारा केसेस होता है नशे की वजह से। रोड एक्सीडेंट का तो मतलब मैं आपको बताऊँ रोड एक्सीडेंट कितना होता है। जो रोड एक्सीडेंट होता है उसमें इंसान को पता नहीं होता कि कितने पे गाड़ी चल रहा है, 100, 110, 120, 150, 200 तक गाड़ी भगा देता है, उसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि इस दुनिया में है ही नहीं, वो तो अलग लेवल पर चल रहा है ना, वो अलग लेवल पर चलता है नशा करने के बाद, इसलिए गाड़ी टशन दिखाने के चक्कर में टक्कर हो जाता है और चला जाता है, बल्कि खुद तो जाता ही है, जिसके साथ टक्कर होता है तो वो भी गया। अब गाड़ी टक्कर होगा तो किसी सामने वाला गाड़ी से होगा, पेड़ पौधे से तो होता है अलग बात है, लेकिन सामने वाला गाड़ी से भी होता है, बाइक से हो जाता है सामने वाले का, तो सामने वाले भी गया, ये भी गया, अपने गलती की वजह से खुद तो गया, दूसरों को भी लेके गया। रिलेशन, हमारा रिलेशन बहुत ख़राब होता है, जैसे मान ली नशा करके आते हैं पति नशा करके आता है, पत्नी से लड़ाई हो जाता है, बात डाइवोर्स तक चला जाता है, माँ बाप से लड़ाई हो जाते हैं, पड़ोस से लड़ाई हो जाता है, बच्चों से लड़ाई हो जाता है, और बच्चे क्या सीखते हैं? अगर पिताजी नशा करके आ रहा है तो बच्चे क्या सीखेंगे? हाँ भाई ऐसे ही यही यही शायद सोसाइटी में यही स्टेटस है,
आजकल तो बल्कि कॉरपोरेट में मैंने देखा है लड़की लोग भी सिगरेट पीती है। अगर सिगरेट नहीं पी रही अगर लड़की तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव, बोलते हैं प्राचीन, ये गांव वाली है, बहन जी है, इस तरीके का बहुत टर्म, कुछ कॉमन टर्म है जो यूज़ करते हैं। तो ये बहुत मतलब बहुत गिरा हुआ चीज़ को हम उठा के बहुत सर पे बिठा लिया है ना। फाइनेंशियल लॉस, तो नशा नशा तो फ्री में आता नहीं है, और नशा का आपको पता है नशा में कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है, बहुत महंगा होता है ना। इतना इतना बोतल लोगों को 1,000, 1,200, 1,500, 2,000, 3,000 में लोग खरीदते हैं। लॉकडाउन जब हुआ था तब तो टीवी में इतना मतलब दुकान खुलते इतना तमाशा दिखा रहा था, पत्नी अपने पति के लिए दारू खरीद के स्कूटी में भर के लेके जा रहा है, गाड़ी में, कार में भर के, ऐसे लग रहा है उनको कोई अमृत मिल रहा हो, कोरोना का वैक्सीन मिल रहा हो, इस ऐसे मतलब हालत हो गए थे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि नशा हमारे ज़िंदगी में कैसा मतलब जगह बना लिया है ना। और ये लिस्ट बहुत लंबा है, इसको बोल के हम ख़त्म करना बहुत मुश्किल है 15-20 मिनट के वीडियो में। बहुत आप लोग सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, अपने सोसाइटी के आसपास देख सकते हैं है ना, और अपने स्टैंड अप खुद ले सकते हैं कि करना क्या है। इसके अलावा मैं अपने जो वीडियो पहला रेगुलेटिव फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने चाय के बारे में बताया था कि चाय भी नशा होता है। इसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है, लोग बोलते हैं कि चाय नशा नहीं है, चाय तो बस एक पियाओ है, वो एक बस ड्रिंक है, लेकिन एक्चुअली चाय नशा है। चाय में कैफीन होता है, और चाय कोई भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, वो फॉरेन से आया हुआ चीज़ है ना। और चाय में कोई आपका न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता। अगर ठीक है, अगर नशा नहीं भी एक पल के लिए मान लेते नशा नहीं, लेकिन उसमें कोई अच्छाई भी तो नहीं है, न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है उसमें, तो आप क्यों ऐसा चीज़ खरीद के खाएंगे या पिएंगे जिसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है आपका, है ना। कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ कुछ का फालतू में फिर यूज़ कर रहे हैं। नुकसान देखिए, नुकसान मैं आपको बताता हूँ नुकसान कितना है। चाय में एनजाइटी बहुत ज़्यादा होता है, घबराहट, लोग आजकल बहुत घबराहट होता है, छोटी छोटी बातों पे, सिचुएशन पे घबरा देते, करना क्या है। ये चाय की आदत की वजह से होता है, क्योंकि चाय जो है तो वो आपका ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देता है, आप छोटी छोटी सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाते। दूसरा, छाती में जलन की बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा है, ये चाय की वजह से होता है ना। चाय का दाग देखेंगे कपड़े में गिरता, चाय का दाग नहीं छूटता, कितना हार्ड वो जिद्दी वो दाग होता है, तो वही चीज़ हम पेट के अंदर ले रहे हैं ना, तो क्या वो अपना असर नहीं छोड़ेगा, पक्का छोड़ेगा। और एक कॉमन प्रॉब्लम आजकल जो है वो है इंसोमेनिया, यानी अनिद्रा, नींद ना आना रात को। आजकल मतलब ये छोटे छोटे बच्चों में भी, मतलब 22 साल 25 साल के बच्चों में भी देखा जा रहा है कि नींद नहीं आती उनको रात में, रात को सुबह उठ के चाय पीना है तो नींद कहाँ से आएगा। वो लोग सुबह चाय पी लेते हैं, इस बार ऐसा धीरे 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 उनका बॉडी जो है उस लेवल पर इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, फिर वो रात को नींद आना बंद हो जाता है, और रात को जाकर फिर 10 कप चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, और ज़्यादा नींद नहीं आता, क्या करेंगे। इस धीरे 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 अपने आप को गड्ढे में ढकलते हैं। एक्चुअली क्या है, चाय का जो नशा है वो हमको पता नहीं चलता, इतना छोटा है, हर नशा इतना छोटा है कि पता ही नहीं चलता धीरे 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 कब आपको लग जाए। इसके बाद आपका आता है इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, चाय की वजह से हमारे इंटेस्टाइन यानी आंतों में प्रॉब्लम हो जाती है। चाय इतना मतलब जब वो अंदर से जाता है तो बहुत असर छोड़ता हुआ जाता है, मेटाबॉलिज्म बहुत कम कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म कम करने से क्या होता है, हम डल हो जाते हैं, हम इनएक्टिव हो जाते हैं, हम मोटा हो जाते हैं, हमारे अंदर एक्टिवनेस खत्म हो जाता है, कुछ भी करें तो ऐसे धीरे धीरे चलना कर रहे करेंगे, मतलब बहुत स्लो हो जाता है इंसान, है ना, वो एक्टिवनेस खत्म हो जाता है। ये सब हम खुद पैसे से खरीद के अपने अंदर ये सब गुण उत्पन्न कर रहे हैं, मोटा हो जाना, आलसी हो जाना, ये गुण ही है। तो आजकल कलयुग के लिए ये गुण है, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको मजदूर कहा जाएगा, अगर लेटे पड़े हो तो आपको बहुत महान माना जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम किसी को बोल दें कि आप चाय छोड़ दीजिए, तो रिएक्शन तो ऐसे देते जैसा किसी ने उनसे उनका धन संपत्ति सारा मांग लिया, किडनी मांग लिया हो, चाय कैसे छोड़ दें हम, चाय तो बहुत अच्छा चीज़ है, चाय हमको एक्टिव रखता है। अरे भाई, एक्टिव रखने की ज़रूरत पड़े इसका मतलब है आप इनएक्टिव है। एक्टिव किसको होना पड़ता है, जो इनएक्टिव है, जो पहले से एक्टिव, उसको एक्टिव होने की ज़रूरत क्या है फिर। तीसरे हम समझ सकते कि चाय इनएक्टिव करता है तभी हमको ज़रूरत पड़ता है, वो साइकिल है, पता नहीं चलता। जैसे जस्ट ट्राई करते हैं, कोई एक नशा कर लिया टेंशन के चक्कर में, पैशन के चक्कर में, फिर धीरे धीरे शौक में बदल जाता है, कहीं जाते हैं तो फिर नशा करने लगता है, दोस्तों से मिलके करने लगता है, फिर वो आदत बन जाता है, फिर अकेले में करने लगता है, फिर धीरे धीरे मजबूरी बन जाती है, माँ बाप के सामने करने लगता है ना, वो मजबूरी बन जाता है। मजबूरी इंसान को कुछ भी करा सकती है, आपको सही गलत कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको देखते हैं मूवी में, देखते हैं कि पैसे के लिए वो खुद अपने परिवार लोगों का मर्डर करके पैसा लेके जाके वो
ड्रग्स खरीद के नशा कर रहा है, ये फैक्ट है। मूवी वाला कोई बाहर से कॉन्सेप्ट नहीं लाता, वो इधर से उठाते हैं, सोसाइटी से उठाते हैं। और जो नशा जो जो लोग नशे में डूब चुके, उनके एक्चुअली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का कोई चीज़ नहीं है, उनको कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं सोसाइटी में। अगर आप नशा करेंगे तो आपको कोई बिलीव नहीं करेगा। अगर आप कोई बिजनेस चालू करने जाएंगे, आप बोलेंगे मेरे को उधार दीजिए, आपको उधार भी नहीं देगा। पता है उसको कि आप नशे में दारू पी के ख़त्म कर देंगे, जुआ खेल के ख़त्म कर देंगे, सब नशा करके सब खत्म कर देंगे। इसीलिए आपको कोई काम भी नहीं सौंपेगा सोसाइटी में। अब मान लीजिए आपका गाँव में कोई दुर्गा पूजा होता है, कोई पूजा होता है, उसमें अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि भाई हाँ 10 लोग हैं, 10 में से अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में बांटेंगे, उसमें अगर 2 दारूबाज रह गए, क्या आप उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि हाँ भाई ये चीज़ें तू संभाल? नहीं देंगे, क्योंकि आपको भी पता है उसको पैसे देंगे वो कहीं और यूज़ कर लेगा उस चीज़ का। तो उनका सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ रहा नहीं, उनका सामाजिक तौर पर कोई उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, कोई उनको जिम्मेदारी नहीं देगा। धीरे 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 फिर उनका अस्तित्व ख़त्म। क्या फ़ायदा हुआ? आपने अपना मान सम्मान इज्जत सब गंवा दिया, साथ में परिवार भी आपका डूब गया। तो नशा का जो बहुत सारा नुकसान है, वो ऐसे बोल के समझाना बहुत मुश्किल है। आप लोग देख लीजिए, है ना, जितना मोटा मोटा पॉइंट मैंने बता दिया। तो जिम्मेदारी लीजिए और नशा को आज ही ना कहें, और अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को और दुनिया को आगे बढ़ाने का एक अच्छा काम कीजिए। और आपको देखे देख के लोग भी बदले। अगर आप नहीं बदलेंगे तो फिर लोग आपको देख के क्या बदलेंगे? वो लोग बोले तू करता है तो मैं भी करता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? तू भी कर रहे, मैं भी कर रहा हूँ। इसलिए आप किसी से बताने से पहले पहले खुद छोड़िए, फिर दूसरे को छुड़वाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।